अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फारूक सैफ तुगा। तो आज हम आए हैं फेमस गोट फार्म, यहाँ पर हम बात करेंगे शाहबाज भाई से और इनके बकरों के बारे में हम तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शाहबाज भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहबाज भाई, सबसे पहले मैं आपके गोट फार्म का नाम और आपका एड्रेस जानना चाहता हूँ। फेमस गोट फार्म है और लोकेशन इसकी बोमनाहली मदीना नगर लैंडमार्क आके इल्मा इंटरनेशनल स्कूल है। ये शौक़ जो है आपको कितने साल से है ये? अभी जैसा कि बहुत सारे लोग हैदराबादी गोट भी पालते हैं, नाटी भी गोट पालते हैं और बकरे भी पालते हैं, तो इसी दौरान आपको जिस तरीके से हैदराबादी गोट का शौक़ है, ये कितने साल से है? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से है शौक़ मुझे। फिर जाते जाते आपका चैनल देखा यूट्यूब में, फिर और बहुत लोगों का चैनल देख के फिर शौक़ आया। ऐसे तो ख़ानदानी है शौक़ है, दादा से, अब्बा से, फिर मुझे, मेरे भाई भी है, चचेरे भाई हैं, ऐसे ख़ानदान से ही आया शौक़ है। तो अभी कौन कौन सी ब्रीड आपके पास अवेलेबल है? अभी जमुनापरी है, अमीनगढ़ का है, फिर बीटल के हैं, कश्मीरी है, कश्मीरी का नॉट श्योर लेकिन कश्मीरी है। अभी ये कौन है आपके साथ? ये चचेरे भाई है मेरे। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद सैफ अहमद है। मैं 10th ख़त्म करके अभी लॉकडाउन की वजह से स्टॉप किया हूँ। इंशाल्लाह लॉकडाउन ओपन होने के बाद कॉलेज जाऊँ। तो आपको भी जानवरों का बहुत शौक है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक है, भाई से ही लगा है शौक। दादा परदादा जैसे हमारे अब्बा बड़े अब्बा सब करते हैं, भाई कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम भी करेंगे शौक। तो वैसे तो ये शौक़ के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसा शौक़ बहुत कम लोगों को होता है जो ख़ानदानी शौक़ होता है। हमने बात की है यहाँ पर शाहबाज भाई से और अभी हम उनके अभी अवेलेबल जो जो जानवर इनके पास है देखेंगे, आपको तफसील बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। तो शाहबाज भाई, हाँ मैं, ये जो है सबसे पहले यहाँ से ही शुरू करेंगे, ये कौन सा है इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। इसे कश्मीरी बोलते लोग, मैं ब्रीड के बारे में श्योर नहीं हूँ जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जानवर तो अच्छा है। क्वालिटी वाइज भी इसके बाल भी बहुत अच्छे हैं, शाइनिंग भी है इसके बाल पे बहुत जी। अभी ये कितने दांत पे है ये? इसके अभी पूरे हो गए, चार दांत हो गए। चार दांत हो गए, हाँ। अच्छा, अभी ये कितने साल का है कुछ पता है आपको? है 16-17 महीने का है। 16-17 महीने का है, हाँ। तो माशाल्लाह फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कश्मीरी ब्रीड करके बता रहे हैं लेकिन शोर नहीं है। आप लोग ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए। और ये अभी चार दांत पे है, काफ़ी हेवी वेट है, देख सकते हैं आप। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट्स में माशाल्लाह कहिए। तो चलिए हम इससे ऐसे ही, यहाँ पर एक है इसको देखते हैं, ये कौन सा है, ये इसका क्या नाम है? इसका नाम यौमन है। अच्छा, अलहमदा ये अभी अदंत है। अच्छा, अभी दांत नहीं डाला है? नहीं, दांत नहीं डाला है बच्चा ये। अच्छा माशाल्लाह, अभी 12-13 महीने का है ये जी। ये कहाँ से लिए थे आप? ये इसको हैदराबाद से ही लाए थे, सैफ और हमारे वालिद जाके लाए थे। अच्छा, ये अभी अदंत है बोले आप? कितना कान का साइज कितना आ जाएगा इसका? इसका कान का साइज 17 है। 17 है, 17 से 18 तक है। 17-18 है। और चौड़ान में कितना है ये? चौड़ान में 6.5 है। 6.5 है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार है, इसका कलर भी आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे और बहुत ही शानदार है। तकरीबन 38-40 के करीब इसकी हाइट है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह है। तो ऐसे भी यहाँ पर बहुत सारे बकरे यहाँ पर मौजूद हैं शाहबाज भाई के पास, आप देख सकते हैं वाइट आइस है। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो माशाल्लाह शाहबाज भाई, ये कौन सा आई है? ये भी जमुनापरी है। अच्छा, ये कौन सा है कलर इसका? ब्राउन कलर? नासी है। नासी है, नासी है कलर ये। अच्छा, 6 दांत पे है ये भी। अच्छा, इसके कान का साइज कितना है? इसका भी 18-19 तक है। 18-19 तक है, माशाल्लाह। श्योर नहीं हूँ मैं, बस ऐसे बता रहा हूँ। अच्छा, ये आपका शौक है ना? हाँ, ये भी शौक ही है पूरा। अगर कोई आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहा तो? हाँ, कॉन्टेक्ट कर सकता है। उसके लिए आप कुछ डिटेल बता सकते हैं आप उसको? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9902551309। मुझे कांटेक्ट कर सकता है कोई, अगर कोई कुछ पूछना चाहे आपसे, इसकी डिटेल लेना चाहे, हाँ, तो कॉल कर सकता है। ठीक,
ये कितने दांत पे है शाबाश भाई? 6 दांत है इसके, 6 दांत आ गए इसके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मेल और फीमेल बच्चे भी हैं, एक अबलख है, एक ब्राउन में है, नासी है माशाल्लाह। ये कितने कितने दिन के हैं ये? इनको हो गए अभी 25-25 दिन के हो गए बच्चे, माशाल्लाह। दोनों मेल हैं, दोनों मेल हैं, अच्छा माशाल्लाह। तो थोड़ा सा इनको बाहर निकालिए 2 मिनट, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। इसी के हैं क्या? अच्छा ये फीमेल के हैं। ये कितने दांत पे है शाबाश भाई? इसके भी 6 दांत हो गए पूरे। अच्छा हाँ, कितने साल हो गया ये? इसको अभी 18 से 19 महीने हैं। 18 से 19 महीने, ये आपके घर की ब्रीड है या लिया ये? इसको भी इसको भी लिया था हमने जी, हाँ आटी नगर से, रियाज भाई के पास से। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। और ये पहली बार बच्चे, पहली गाँव है ये? फर्स्ट टाइम दी हुई है? फर्स्ट टाइम दी हुई है। अच्छा तो 2 बच्चे दिए फर्स्ट टाइम? हाँ फर्स्ट टाइम में 2 बच्चे दिए हमने, दोनों मेल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हैदराबादी फीमेल है जो काफ़ी शानदार है, अभी 6 दांत पे है ना? हाँ 6 दांत, 6 दांत पे है ये, फर्स्ट टाइम 2 बच्चे दी हुई है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइए। ये कौन सी है शहबाज भाई? ये माशाल्लाह पर ही है। अच्छा इसी की छोटी बहन है ये। अच्छा इसके भी हो गए 6 दांत। अच्छा अभी ये बच्चे दी भी है कुछ? हाँ इसी, इसने भी पहली बार ही दी है। अच्छा इसी की भी वो बेटी है। अच्छा नासी है, लाइए उसको। ये एसी की बच्ची है? ये एसी की बच्ची। अच्छा माशाल्लाह। तो इसका मेल कौन सा है ये? इसके साथ जो लगा? इसके साथ गाब हुई थी। अच्छा आपके पास जो अभी अवेलेबल है सुल्तान, आपके पास जो अभी अवेलेबल है उसी है, उसी की हमारे घर की बच्ची। अच्छा माशाल्लाह। तो कान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है माशाल्लाह। कितने हैं ये अभी? 8 है, इसे 7 है। अच्छा ऐसे चौड़ान में 7 है, लंबान में? लंबान में 13 तक है, 13-14 तक आ जाएगा माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक काफ़ी क्वालिटी में शाबाज अपने बकरियों को पाले हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से ये रखे हैं और काफ़ी अच्छा शौक भी करते हैं। तो इनके पास देखने के लिए अभी बहुत सारे हैं, हम आपको बताने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए दूसरे देख लेते हैं। माशाल्लाह ये कौन सी है शहबाज भाई? ये भी बीटल है। अच्छा ये नस्ल पंजाब से जानी जाती है। अच्छा माशाल्लाह। अलहमदा उस्मानी, उस्मानाबादी वो जो बोलते हैं छेली जी, उन्हीं ब्रीड में से आती है। हर बार 3 बच्चे देती है। तो आपके पास अवेलेबल हैं 3 बच्चे भी? हाँ इनकी माँ हमारे पास ही थी। अच्छा रिसेंट तो उन्हीं से 3 बच्चे हैं, एक फीमेल है, इनके इसके 2 भाई भी है मेल। अच्छा देख लेंगे उनको भी। इनके भी कान इतने लंबे नहीं आते लेकिन वाइट आइज है, ये वाइट आइज है। अच्छा माशाल्लाह। ये फीमेल है, 2 भाई, ये मेल है। अच्छा माशाल्लाह, ये 3 एक साथ के ही है? हाँ तीनों एक ही साथ के है, एक मेल है एक और एक। कितने कितने महीने के है ये? ये 6-6 महीने के बच्चे। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी नस्ल में से है, बहुत ऊंचे होते हैं बच्चे माशाल्लाह, देखने से ही पता लग रहा है। अभी 6 महीने में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्थी है, हाइट भी है।
माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और एक है, हम उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर है ना, ये तीन एक साथ के ही हैं। हाँ, ये तीनों एक साथ के हैं। मारता क्या भाई? स्किन में भी बहुत शाइन रहता है, एकदम अलग शाइन रहता है। अब ये भी तीन एक साथ के ही हैं। ये भी उसी का भाई है। अच्छा, अलहमदिल्ला इनकी स्किन में शाइन बहुत रहता है। हाँ माशाल्लाह, क्वालिटी आप देख सकते हो, माशाल्लाह काफी शाइन है। प्योर बीटल में से आते हैं। प्योर बीटल, ये व्हाइट आइस है ना? हाँ, व्हाइट आइस, शाइनिंग में पता चल जाता है जी। माशाल्लाह, ये कौन सा है भाई? बहुत शानदार लग रहा है। ये अमीनगढ़ का है जी। माशाल्लाह, इसका नाम हमने बादल रखा है। अच्छा, इसकी नस्ल को भी फाइटर नस्ल में से जाना जाता है। अच्छा, इसको भी बहुत शौक से, अब हमारे भाई के पास ही था ये जी, कजिन ब्रदर के पास, उनसे लाए थे, अदन बच्चा लाए थे हम लोग। तो अभी कितने महीने का है? अभी 14 महीने का है, फ्रेश दो दांत डाला है अभी। अच्छा माशाल्लाह, नाम भी हम लोग ने प्यार से बादल रखी, क्योंकि क्लाउड जैसे ही है ये। जी जी, लग रहा है छोड़े तो बहुत खराब मार देगा ना ये। बहुत एग्रेसिव है वो। अच्छा माशाल्लाह, बादल, तो बादल बहुत अच्छा लगे। बादल को करीब से देखेंगे कैसे हैं। बादल करीब आने के लिए नहीं दे रहे ना बादल साहब? बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव। तो सस्टम नंबर पर खिलाते हैं उसी पर तो मस्ती करते हैं।